मैं हूँ नीलू। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की पारंपरिक दाल बाटी चूरमा की रेसिपी। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आने वाला है। राजस्थान की दाल बाटी के साथ बनाया जाता है बूंदी का रायता, सैलेड, पापड़ और चटनी बनाई जाती है, लेकिन मैं आपके लिए आज दाल बाटी चूरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। सो चलिए मेरे साथ बने रहिए और बनाते हैं दाल बाटी चूरमा। सो पधारो हमारी रसोई। सबसे पहले बाटी का आटा लगा लेते हैं। तो मैंने इसके लिए 3 कटोरी आटा ले लिया है। इसमें डालना है नमक, नमक आप आपके स्वाद के अकॉर्डिंग लें, थोड़ी सी सौंफ, और इसमें मैं मिला रही हूँ 1 कटोरी रवा या सूजी। अगर आपने 3 कटोरी आटा लिया है तो उसमें 1 कटोरी रवा डालें, इससे जो आटा है जो वो थोड़ा दानेदार हो जाता है, जो हमारी बाटी भी बहुत अच्छी बनती है उसमें। इसमें डालना है घी, तो मैंने घी 1/2 कटोरी डाला है। घी मोयन के लिए डालना बहुत ही ज़रूरी है बाटी में, क्योंकि घी से बाटी बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है, तो इसलिए ये स्किप ना करें। अब इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आटा लगाना है। बाटी का आटा रोटी के आटे की तरह नहीं लगाना है, इसको बहुत टाइट आटा लगाना है इसका, क्योंकि बाटी का अगर आपने रोटी की तरह आटा लगा दिया तो बाटी नहीं बनने वाली है, इसलिए हमको इसको इसका आटा जो है वो बहुत ही टाइट लगाना है। ये हमारा बाटी का आटा लग चुका है, तो अब इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, क्योंकि हमने इसमें रवा भी ऐड किया है, तो वो रवा जो है वो फूलता है, तो उसको 15 मिनट के लिए रखते हैं और हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। दाल मैंने 3 बड़े चम्मच ले ली है। अब इसको धोकर बॉईल करना है। दाल को बॉईल करने के लिए मैंने ले लिया है कुकर। अब इसमें मैं दाल को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। इसमें मसाले डालने हैं 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और बॉईल कर लेते हैं। अब ये दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। अब दाल पर तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने लिए एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल। तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा। इसमें डाल रही हूँ मैं 2 तेज पत्ता, खड़ी लाल मिर्च। अब इसमें डालने हैं कड़ी पत्ता, इनको थोड़ा फ्राई होने दें। उसके बाद डालने हैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन कलर होने तक पकाना है। अब इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा गोल्डन हो चुका है। इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर। अब इसको अच्छा सा भून लें, टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लें। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डालते हैं मसाले, तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालना है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालना है। अब इसको अच्छा सा पका लेना है और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, और उसके बाद में इसको अच्छे से पकाते रहना है। जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक इसको अच्छे से पकाते रहना है। मसाले डालते समय ये ध्यान रखें कि पहले भी जब दाल बॉईल की थी तब भी हमने इसमें मसाले डाले थे, तो इस बात का ध्यान रखें कि मसाले ज़्यादा नहीं डालने हैं। हमारे दाल का तड़का बिल्कुल रेडी है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप इसे घर पर बनाएंगे तब आप खुद देखेंगे कि इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आती है। चलो तो अब दाल हमारी दाल भी रेडी है, तो इस तड़के को उस दाल में डाल देते हैं।
इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हमारी दाल रेडी है। अब बनाते हैं बाटी। तो जो आटा ढक के रखा था ये देखिए अच्छे से फूल गया है आटा, क्योंकि इसमें हमने रवा ऐड किया था। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर बाटी बनानी है। देखिए इस तरीके से बाटी का शेप देना है, ये गोल गोल करते जाएं और इसके अंदर बीच में छोटा सा गड्ढा करना है इस तरीके से। तरीके से सारी बाटी बना लेते हैं। बाटी को सेकने के लिए ओवन लेना है। तो इस ओवन को मैंने पहले ही गैस पर रख दिया है और उसको गर्म कर लिया है। ठंडे ओवन पर बाटी को नहीं रखना है, हमको पहले इसको गर्म करना है, उसके बाद सारी बाटी को आप इस पर रख दें और इसके बाद इसको ढक्कन लगा मीडियम फ्लेम पर सेकनी है। बाटी को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना है और पलटते रहना है। ये देखिए इस लगता है कि सीख गई है थोड़ी सी, तो उसको बार बार पलटते रहना है। देखिए बाटी बहुत अच्छे से सीख गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और बाटी के अंदर अगर क्रैक्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि बाटी अंदर तक बहुत अच्छे से सीख गई है। आटा अंदर कच्चा नहीं है, बाटी बिल्कुल कच्ची नहीं है। देखिए हमारी बाटी बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पर घी लगा लेते हैं। तो घी लगाने के लिए आप बाटी को पहले फोड़ लें, उसके बाद ही उसमें घी लगाएं ताकि वो घी अंदर तक अच्छे से चला जाए। हम राजस्थानी वैसे घी बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब इस बाटी को देखिए, बाटी बहुत अच्छे से पक गई है। तो हमारी सारी बाटियों पर हम घी लगा लेते हैं। चलो अब हमारी दाल रेडी है, बाटी रेडी है। अब बना लेते हैं चूरमा। चूरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बाटी ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा बनाना हो तो। देखिए चूरमा बनाने का एक दूसरा तरीका भी है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं आपको क्विक एंड ईजी वे में बताने जा रही हूँ, इसलिए मैं बाटी का चूरमा बनाने जा रही हूँ। बाटी को मिक्सर में दरदरा पीसना है, ज़्यादा उसको बारीक नहीं करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं फोड़ लेती हूँ पहले बाटी को, तो अच्छे से ये थोड़ा पीस जाएगा दरदरा। इसमें डालनी है शक्कर, तो मैंने शक्कर को पीस ली है बारीक। आप आपके स्वाद के अकॉर्डिंग शक्कर लें। शक्कर को इसमें अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें डालना है घी, तो घी इसमें मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसमें आपकी पसंद के आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो हमारा चूरमा भी रेडी है। तो दाल बाटी चूरमा ये पारंपरिक राजस्थानी डिश है, तो ये पूरी तरीके से रेडी है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।